आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज हनुमान जी की अनुमति से कुछ विशेष बातें भी बताऊंगा, और ये बातें उनके लिए हैं जिनका हृदय भक्ति भाव से आप्लावित रहता है, आह्लादित रहता है, तन मन पुलकित होकर नाच उठता है। ये बातें उनके लिए हैं जो अभी केवल बुद्धि के तल पर जी रहे हैं, तर्क ही जिनका आधार है, और जो तर्कपूर्ण बुद्धि को लेकर ही अभी अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ये बातें कोई अर्थ नहीं रखती, कोई भी अर्थ नहीं रखती, बल्कि ये बातें उनको व्याकुल और कर जाएंगे कि व्यर्थ की बात है ये। किसी के लिए जो बात बहुत व्यर्थ की होती है, वही दूसरे के लिए अति सार्थक भी होती है, यही सत्य है। और इसी सत्य के आधार पर मैं भी रहस्यात्मक बातें आपसे साझा करूंगा, किंतु पहले हम दृष्टि डालते हैं कि कल क्या हुआ था। कल अयोध्यावासी और मिथिलावासी दोनों ही यही सोच रहे थे, प्रेम से भरे हुए, कि यदि राम लौट जाए, अयोध्या लौट जाए, तो उसमें सभी का भला है, सभी का भला। दोनों ही पक्ष राम के प्रेम में ऐसे बह रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं कि उनके प्रेम की उस सरिता में बाढ़ आ गई है। किनारों के तटबंधों को, वृक्षों को, सबको तोड़ दिया है, और अच्छे से अच्छा जोगी, बैरागी, सिद्ध, ज्ञानी, साधु, सन्यासी सब उस प्रेम की दरिया में बहते जा रहे हैं। समस्त अयोध्यावासी और मिथिलावासी अब जो बात कह रहे हैं उसे समझिए, और इसी बात के माध्यम से मैं वह रहस्यात्मक बात भी बताऊंगा। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। वे कह रहे हैं सीता और राम के साथ वनवास करना, वनों में रहना उनके साथ कैसा है, कैसा अनुभव है उनके साथ रहना। कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, ऐसा है जैसे करोड़ों स्वर्गों का जो सुख है वह मिल रहा हो। हम स्वर्ग की कामना करते हैं ना, कि स्वर्ग जैसी जिंदगी मिले, स्वर्ग जैसी। क्या है स्वर्ग जैसी जिंदगी का मतलब, उस जीवन का क्या अर्थ है कि जब स्वर्ग ही स्वर्ग हो। मात्र एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ, मन सुखी हो, शांत हो। मन यदि परम शांति में है, सुख में है, तो स्वर्ग है। नरक कब होता है? जब हमारा मन दुखी होता है। मन ही तो वह कसौटी है, मन ही तो वह मापदंड है जो यह निर्धारित करता है, तय करता है, सुनिश्चित करता है कि जीवात्मा स्वर्ग में है या नरक में। मन ही उन चीजों की घोषणा करने वाला है, बताने वाला है। तो अयोध्यावासी और मिथिलावासी एक ही बात कह रहे हैं कि राम के साथ वनवास करना करोड़ों सुखों, करोड़ों स्वर्गों के सुखों के समान है, करोड़ों स्वर्ग। सोचते रहिए कैसे होते हैं करोड़ों स्वर्ग, उनके समान है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु।
परिघर लखन राम बय देही, जेहि घर उभाओ बाम विधि तेही। कह रहे हैं कि जो राम, लक्ष्मण और सीता इन तीनों को छोड़कर अपने अपने घरों में सुख से बैठे हैं, समझ लो कि विधाता उनसे विपरीत हुआ पड़ा है। विधाता ने उनके भाग्य में ये परम सुख बदा ही नहीं। उस समय भी थे, सदा से रहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने ये कहा कि अरे राम वन को गए तो गए भैया, हमें क्या लेना देना, आओ आंगन में चौसर बिछाओ, गोटियां खेलते हैं, पूरी अयोध्या गई है राम को लेने पीछे पीछे, जाने दो यार, हमें क्या लेना देना राम से, आओ अपन लोग खेलते हैं, गोटियां सजाते हैं, पासे सजाते हैं, आंगन में बैठते हैं, बड़ी शांति है अयोध्या में। ऐसे लोग भी हैं क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि है। ऐसा नहीं है कि उस समय ऐसे लोग बिल्कुल नहीं थे, थे नाम मात्र को थे, कुछ ही थे जो सदा से रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विधाता जिन लोगों से विपरीत था, वास्तव में वे लोग थे जो अपने अपने घरों में सुख से बैठे थे, जिन्हें राम के वनवास से कोई अभिप्राय नहीं था। राम वन में गए हैं, वे राम के पीछे पीछे जाकर उनको लेने जाना तो दूर, उस मत से ही सहमत न थे कि उनको लाया जाए, जाया जाए, क्यों घर के सुख सुविधाओं को छोड़कर जाया जाए। और इधर जो भक्तजन, जो प्रेमीगण आए हैं, वे क्या कह रहे हैं कि राम के साथ वनों में रहना मानो करोड़ों करोड़ों स्वर्गों के सुखों के समान है। बात की आरंभ में मैंने यही बात कही थी ना कि एक बात किसी के लिए बहुत निरर्थक होती है और दूसरे के लिए बहुत सार्थक। जो राम के प्रेम पाश में बंधे हुए हैं, वे तो सब कुछ छोड़कर राम के साथ वनों में रहना चाह रहे हैं, सब कुछ छोड़कर। उनके लिए कितनी सार्थकता है राम के साथ रहने में, उनका सारा जीवन ही वही है। और एक दूसरा वर्ग है जो अपने अपने घरों में बैठा है। अब कहते हैं दाहिन दयहु होई जब सभी, राम समीप बस ही बन तब ही। कहते हैं तुलसीदास जी, प्रभु राम के साथ वनवास में जाना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है उनके साथ वनवास में रह लेना। यह तभी हो सकता है सरल जब विधाता अनुकूल हो। इतना सौभाग्य भी विधाता नहीं देगा कि राम के साथ वनों में जाया जाए। निषाद राज गुह ने कितनी विनम्रता से, भक्ति से, प्रेम से, आदर से, भाव से, श्रद्धा से, आस्था से कैसी विनती की थी प्रभु से कि प्रभु बस चार दिन अपने साथ रख लीजिए वनों में, चार दिन, थोड़ा आपको रास्ता दिखा दूंगा, जहां कहीं आप ठहरेंगे वहां आपके लिए कुटिया बना दूंगा, चार दिन आपका साथ, उसके बाद आप कहेंगे तो आपकी सौगंध मैं तत्काल लौट जाऊंगा। राम नहीं चाहते थे कोई उनके साथ जाए। राम जानते हैं कि मेरा प्रेम एक क्षण भी कोई साथ रह ले, एक क्षण, तो वो छोड़ नहीं सकता मुझे। और कोई चार दिन साथ रह लेगा तब तो बहुत कठिन हो जाएगा। जिस समय राम वनवास को गए हैं, उनके साथ साथ अयोध्या वासी भी साथ पीछे पीछे चल रहे थे, तो राम आधी रात को चुपचाप उन्हें छोड़कर चले गए थे। राम के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि इन जो उनके प्रेम में बंधे बंधे ये जो आए हैं प्रेमी जन, इनको कैसे वापस मोड़ें, कैसे मोड़ें, ये जाना ही नहीं चाह रहे थे।
तो राम ने तब उपाय निकाला कि आधी रात को सुमंत्र जी से कहा कि रथ निकालिए, और इतनी कुशलता से निकालिए किसी को पता ना लगे कि रथ जा रहा है। और आधी रात के बाद राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र अयोध्या वासियों को जंगलों में सोता हुआ छोड़कर चुपचाप निकल गए। जानते हैं राम, जानते हैं कि उनके साथ जो हो लेगा ना, वो फिर मुड़कर नहीं जा सकता। तुलसीदास जी यहां यही बात कह रहे हैं कि राम के साथ वनों में वास करना, समझो कि विधाता तुमसे बहुत प्रसन्न है। दाहिन दयहु होई जब सब ही, राम समीप बसिहे बन तभी। राम के साथ तो वनों में तभी बसा जा सकता है, उससे पहले नहीं। अब यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जब ये व्याख्यान समाप्त हो जाएगा तो उसके अंत में एक वीडियो दिखाया जाएगा, उसे अवश्य देखिएगा। हो सकता है अनेक भक्तों ने उसे पहले भी देखा हो, किंतु पुनः देखिएगा। उसमें रहस्यात्मक बातें मैंने बताई हैं राम के साथ वन में वास करने की। पहली बार जब हनुमान जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें प्रभु राम का चरित्र लिखना है और कथा में लिखना है और उपन्यास के रूप में लिखना है, अब उपन्यास शब्द को भी समझ लीजिए, उपन्यास कोई हल्का शब्द नहीं है। एक ने मुझे कहा था कि अरे भगवान राम को आपने उपन्यास में लिखा है, तो मैंने कहा आपको उपन्यास का अर्थ पता है क्या होता है? उपन्यास उपनिषद का ही रूप है, उपनिषद, उसके पास बैठ जाना, उसके पास होना, परमात्मा के साथ होना, गुरु के साथ होना, उसे उपनिषद कहते थे, उसके पास बैठ जाना, तो उपन्यास उसी का ही रूप है। दिव्य कथा, उसे उपन्यास कहते हैं। दिव्य कथाओं को, दिव्य पुरुषों पर लिखी गई कथाओं को उपन्यास कहते हैं। उसके पास होना, न्यास माने श्रृंगार। तो ये बात समझ लीजिए, उपन्यास बहुत सुंदरतम शब्द है, लेकिन अनेक कारणों से, वो कारण आप सभी जानते हैं, हल्के स्तर की रचनाओं को भी उपन्यास कहा गया, जिसके कारण उपन्यास शब्द भ्रामक स्थिति में आ गया, दूषित नहीं हुआ है, कभी दूषित नहीं हो सकता। जैसे उपनिषद शब्द है, वैसे ही उपन्यास शब्द है। और हनुमान जी ने कहा कि तुमको भगवान राम कि जो कथा है वो उपन्यास में लिखनी है। काव्य में तो बहुत हो चुकी, उपन्यास में लिखो, और वह लिखो जो हो रहा है। हमने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी कैसे संभव होगा ऐसे, हम वह अनुभूति कहां से लाएंगे कि राम के साथ वन में जो विचरण हो रहा है, जो वे विहार कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविक अनुभूति तो तभी आती है किसी भी रचना के, जब आप उस पात्र के साथ जिए हों, उस पात्र के साथ, तब बात बनती है। कि कोई चरित्र है और उसके साथ साथ आप रह रहे हैं, तो आप उस अनुभूति को कुछ कह पा सकते हैं, कुछ। तो मैंने कहा हनुमान जी हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि उस युग में, उसी काल में तुमको ले जाकर सब दिखाऊंगा, फिर से तुम राम के साथ ही यात्रा करोगे, पग पग पर यात्रा करोगे, तुम देखना, अनुभव करना, और फिर मैं ही तुमसे लिखवाऊंगा। और वही हुआ, वही हुआ। पहला खंड आया जिसका नाम वनवास था, और अभी हनुमान जी ने मुझसे एक बात और करवाई है। वो जो वनवास उपन्यास आया था उसमें दो चीज़ें नहीं थी, अहिल्या का उद्धार और राम और सीता का विवाह। मैंने तब कहा था उनसे, मैंने कहा आपने ये दो प्रसंग मुझसे नहीं दिखाए, मुझे ना अहिल्या का उद्धार दिखाया और ना ही सीता स्वयंवर दिखाया। सीता विवाह,
तो उन्होंने कहा प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, अभी नहीं। और लगभग 14 वर्ष बाद, अब 14 वर्ष बाद 2021 में, अब तो 2022 है आज जब ये आ रहा है प्रवचन, 2021 में उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हें अहिल्या का उद्धार और जो प्रभु राम और सीता का विवाह हुआ था उसकी जो प्रथम भेंट थी वह दिखाता, वह दिखाई उन्होंने। तो अब ये नए रूप में उसको लिखवाया और उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो, वनवास नहीं, इस उपन्यास का नाम अब वचन कर दो, क्योंकि राम इसमें अनेक स्थानों पर सांकेतिक वचन देते जा रहे हैं, सांकेतिक वचन। और जो जो वचन उन्होंने दिए वे प्रामाणिक किए हैं, तो इसका नाम वचन रख दो। तो अब आने वाले समय में यह वचन के नाम से आएगा। तो राम के साथ जो जीने की अनुभूति थी, मैं तो कहूंगा मैंने जिया है, लेकिन यहां मैंने एक बात कही हनुमान जी से कि इस बात को मानेगा कौन कि मैं प्रभु राम के साथ उनकी वनों की यात्रा में रहा। तो उन्होंने कहा मैं प्रमाण दूंगा इसके, तुमको चिंता मत करो। पहला प्रमाण तो यही दूंगा कि जो भी इस उपन्यास को पढ़ेगा वह स्वयं बोलेगा कि मैं भी वहां पहुंच गया उसी कालखंड में। और बताओ, मैंने कहा अब तो कुछ बताने को रहा ही नहीं। तो यही कृपा मैंने अनुभव की, जिस जिसने भी यह उपन्यास पढ़ा, जो भगवान राम के जीवन चरित्र पर लिखे जा रहे हैं मेरे, जिस जिसने पढ़ा, यहां तक कि जो मेरा विरोधी था कभी, उसने भी पढ़ा तो उसने भी कहा कि मुझे लगा कि मैं उसी कालखंड में पहुंच गया, उसी कालखंड में। और उसने तो यह भी कहा कि जैसे फिल्म में आती है बैक टू द फ्यूचर, तो मुझे वही लगा। और मैं चमत्कृत था, अभिभूत था इस बात से कि कैसे कोई रचना वहां पहुंचा सकती है। ये तो ऐसा है कि जैसे कि कोई एक गेट हो ब्लैक होल का, जो जिसका दूसरा एग्जिट डोर उस जमाने में जाकर खुल जाता है। बता रहा हूं मैं ये सब बातें उनके लिए जो खोजी हैं, सिर्फ उनके लिए। क्यों बता रहा हूं, इसके लिए भी एक बात बता दूं मैं, क्यों बता रहा हूं। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो देवता उनके पास आए और कहने लगे आप कुछ कहिए। बुद्ध कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उन्होंने बहुत कहा आप कुछ बोलिए। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों बोलूं। उन्होंने कहा जो आपने पाया है रहस्य जगत का वह कुछ कहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं क्यों कहूं, किसके लिए कहूं। तो देवता कहते हैं कि जो खोज में है परमात्मा की उनको सहायता मिल जाएगी। बुद्ध कहते हैं नहीं, जो खोज में है वे स्वयं खोज लेंगे, स्वयं खोज लेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। देवता चुप हो गए, लौट गए। किसी ने कहा कि अरे आधी बात कहकर आ गए, क्या बात करते हो। अरे भगवान बुद्ध से कहते कि आप बोलिए, उनके लिए बोलिए जो ना समझ हैं, जिनको समझ नहीं। तुम तो ये कहकर आ गए कि जो खोज में है, और उन्होंने तुम्हारे को निरुत्तर कर दिया, कह के बोलती बंद कर दी कि जो खोज में है वो खुद खोज लेंगे। बुद्ध कहते मैं भी तो खोज में था, मैंने खुद खोजा ना, वो भी खुद खोज लेंगे। देवता फिर गए, कहते हैं भगवान बुद्ध से आप कुछ बोलिए। वो कहते हैं अब किसके लिए बोलूं। उन्होंने कहा उनके लिए जो ना समझ हैं, उनके लिए जिन्हें परमात्मा का कोई बोध नहीं, उनके लिए जो परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते, उनके लिए बोलिए। बुद्ध मुस्कुराए, कहते उनके लिए बोलने का कोई अर्थ नहीं है,
क्योंकि जो मानते ही नहीं, जिन्होंने पहले से ही तय कर लिया है, सुनिश्चित कर लिया है कि उन्हें ज्ञान की बातें माननी ही नहीं है, प्रकाश की ओर जाना ही नहीं है, स्वयं को जानना ही नहीं है, तो जो स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलना ही नहीं चाहते हैं, उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, वे मानेंगे नहीं। वे पहले ही सिरे से खारिज कर देंगे मेरी बात, सिरे से खारिज, और कह देंगे ये व्यर्थ का प्रलाप है, अनर्गल प्रलाप है, और वो मेरी बातों को प्रलाप कहकर उन्हें अनसुना करेंगे। अब देवता क्या बोले, लौट गए। तो वहां जो एक सबसे वयोवृद्ध देवता थे, सयाने, जो बहुत कम बोलते थे, उन्होंने कहा कि तुम सब के साथ मैं चलता हूँ अब भगवान बुद्ध के पास, मैं उनसे विनती करता हूँ। शेष देवता बोले, आप क्या विनती करेंगे, हम कर आए, अब बचा ही क्या है विनती करने को, हमने कह दिया बुद्ध से कि आप कुछ कहिए उनके लिए जो खोज में हैं, उन्होंने मना कर दिया कि वे खुद खोज लेंगे, हमने कहा आप उनके लिए बोलिए जो खोज में नहीं है, वे खोज में निकल जाएंगे, तो बुद्ध कहते हैं वो कभी निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इतने हठी हैं, हठ पकड़ा हुआ है उन्होंने, जिद्दी हैं, और जिद्दी को टालना बहुत मुश्किल होता है। तो बुद्ध मौन है, और हम चाहते हैं कि बुद्ध ने जो पाया उसे संसार जाने। वह देवता बोला, तुम चलो मैं बात करता हूं बुद्ध से। पहुंचे सब भगवान बुद्ध के पास, बुद्ध कहते अब किसके लिए आए हो। तो वह जो वयोवृद्ध देवता थे, उन्होंने हाथ जोड़े और नतमस्तक होकर श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध से बोले कि आप न उनके लिए बोलें जो खोज में हैं, आप न उनके लिए बोलें जो अज्ञानी हैं और खोज में नहीं हैं, भगवान आप उनके लिए बोलें जो उस बिंदु पर खड़े हैं जहां से उनकी छलांग लग सकती है दूसरे तरफ। आपका एक शब्द उनके लिए छलांग बन जाएगा, जंपिंग बोर्ड बन जाएगा, उनकी छलांग लग जाएगी, आप उनके लिए बोलें। बुद्ध मुस्कुराए और स्वीकृति में तथास्तु कह दिया, और उसके बाद बुद्ध बोले, बहुत बोले, इतना बोले, इतना बोले, और बहुतों की छलांग लगी, छलांग पर छलांगे लगे, ध्यान पर बोले बुद्ध। बुद्ध ध्यान की गहराइयों पर बोले। तो ये जो मैंने इशारा किया यहां, उन लोगों के लिए किया है जो उस बिंदु पर बैठे हैं जहां से उनकी छलांग लग सकती है, और ये हनुमान जी की अनुमति पर हो रहा है सब, उनके लिए। मैं बुद्ध नहीं हूं, मैं केवल एक संदेशवाहक हूं, साधारण सा हनुमान जी का, हनुमान जी का सेवक और कुछ नहीं। जो वे डाक देते हैं वो डाक मैं आके बांट देता हूं, मैं तो उनका पत्रवाहक हूं और कुछ नहीं। तो यहां मैं ये बात बता रहा हूं कि यदि राम के साथ वन में विचरण करना हो तो इस आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन वे लोग अवश्य करें जिनकी आत्मा राम की प्यासी है। वे बाकी भी पीना चाहें तो मना ही नहीं है पीने की, उनकी इच्छा है। अब आगे चलते हैं। दाहिन दहु होई जब सबही, राम समीप बसिहे बन तबही, मंदाकिनी मज्जुन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। वे कहते हैं कुछ नहीं, बस मंदाकिनी नदी में हम तीनों समय स्नान करें, आए प्रभु श्री राम के दर्शन करें जो कि सभी मंगलों की माला हैं, और इसी तरह अपना जीवन बिता दें। बस तीन तीन समय मंदाकिनी में स्नान करना, नदी में बहुत बड़ी महिमा है स्नान की, बहुत बड़ी महिमा।
यहां तीन तीन बार वो नदी में स्नान कर रहे हैं। हमें कम से कम एक बार तो करना चाहिए, दो हो जाए तो अति उत्तम है, प्रातःकाल और संध्याकाल यदि हो जाए तो, अपने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप दो दो तीन तीन बार नहाएं, कोई आवश्यक नहीं है, पर हो जाए तो, यदि शरीर अनुमति दे तो उससे शरीर खिला रहता है। तो अब अयोध्या वासी और मिथिला वासी क्या कह रहे हैं कि प्रभु राम के साथ वनों में वास करें, इस मंदाकिनी में तीन तीन बार स्नान करें, प्रभु के दर्शन करें, उनके पास बैठे रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। अटन रामगिरि बन तापस स्थल, असन अमिये सम कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता, फल सम होई न जनी अहि जाता। कहते इसके समान और कोई सुंदर फल हो हम ऐसा जानते ही नहीं हैं। किसके समान कि 14 वर्ष तक हम प्रभु राम के साथ रहें, उन्हीं के वनों में रहें, उन्हीं के दिए फल खाएं, उन्हीं का जल पिएं जो कि अमृत के समान है सब कुछ, और ये 14 साल का समय 14 पल के समान कट जाएगा। यदि ऐसा हो जाए तो हमारी तो बात बन जाएगी। एह सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ असभाग, सहज सुभाए समाज दुई राम चरण अनुराग। क्या कह रहे कि अरे हमारे ऐसे भाग्य कहाँ असभाग हमार, ऐसा भाग्य हमारा कहाँ कि हम 14 वर्ष तक राम के साथ वनों में रहें। नहीं, ऐसा भाग्य नहीं है। सहज सुभाए समाज दुई, ये जो दोनों समाज थे, अयोध्या का समाज और मिथिला का समाज, ये दोनों ये क्या हैं, सहज स्वभाव, एक प्रेम से भरे हुए हैं राम के प्रति। कोई कृत्रिम प्रेम नहीं है, आर्टिफिशियल लव नहीं है, कोई ऐसा लव नहीं है कि हमारे राजा का बेटा है तो उससे हमें प्रेम करना ही करना है, जबरदस्ती करना है, नहीं। सहज स्वाभाविक प्रेम से परिपूर्ण हैं और राम चरण अनुराग, राम के श्री चरणों के ये अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, उनके चरण कमलों के भंवरे हैं ये, वहीं अपना गुनगुन गुन करके गीत गाते रहते हैं, वहीं मंडलाते रहते हैं। ऐसे हैं ये दोनों समाज, अयोध्या का और मिथिला का, और वे कह रहे हैं थकित मन से कि अरे हमारे ऐसे भाग कहाँ, राम तो लौटा ही रहे थे ना, वापस ले जाओ इनको, वो तो देव योग से महाराज जनक आ गए तो 4 दिन और इनको रहना मिल गया, वही 4 दिन इनसे संभाले नहीं संभल रहे हैं। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। इतनी खुशी मिल रही है इनको कि छलक छलक जा रही है पलकों से, नैनों से। ऐसे ये प्रेमी है राम के चरणों के। ए विधि सकल मनोरथ करहीं, वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। इस तरह से वो प्रेम पूर्वक जो वचन कह रहे हैं, उनके वचनों को सुनकर जो भी उनकी बातें सुनता है वह अपना मन खो बैठता है, सबके मन को हर लेती हैं ये बातें। ऐसे प्रेम से भरे हुए इन प्रेमियों को देख जो भी देखता है सुनता है वही बहने लगता है उनके साथ। सीए मात तही समय पठाई, दासी देख सु अवसर आए। सारे लोग वहां पर आए हुए हैं प्रभु राम के पास, बातचीत चल रही है, सभा चल रही है, बैठे हैं। तो उस अवसर पर सीता की माता सुनैना जी ने अपनी दासियों से कहा कि जाओ जरा राम की माताओं के पास होकर आओ और देखो क्या कर रही हैं, और यदि वे विश्राम में हो, व्यस्त ना हो, तो उनसे कहना कि हम मिलने आना चाहती हैं। साव कास सुन सब सी सासु, आयल जनक राज रनिवासु। दासियां आई और उन्होंने कहा कि वे सब विश्राम में हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं। उन्होंने कहा कि आप आ सकती हैं, अनुमति मिलने पर, यह जानकर कि सब सुविधा है, जनक के रनवास की सारी स्त्रियां
राम की माताओं के पास मिलने जाती हैं। कौशल्या सादर सन्मानी, कौशल्या ने महाराज जनक के रनवास से आई सभी स्त्रियों का सम्मान किया। आसन दिए समय सब आने, और समय के अनुसार उनको जो भी आसन सम्मान देना था वो दिया बिठाया। सील स्नेह सकल दुई ओरा, द्रवही देख सुन कुलिस कठोरा। दोनों तरफ ऐसा प्रेम था, जनक के रनिवास की स्त्रियां और दशरथ के रनिवास की स्त्रियां, वे सब ऐसे प्रेम से मिल रही थी जैसे प्रेम की जो दो नदियां मिल रही हों, और उसको देखकर वज्र के समान कठोर हृदय भी पिघल जाए कि ऐसे प्रेम से मिल रहे हैं। प्रेम का जो मिलन है ना, उसकी महिमा कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। जैसे भगवान कृष्ण सुदामा से मिले, प्रेम से भरकर मिले, प्रेम से भरकर, प्रेम की गहराइयों से मिले सुदामा से, इसे प्रेम से भरकर मिलना कहते हैं। तो ऐसे ही दोनों रनिवास की स्त्रियां प्रेम से भरकर मिल रही हैं, और पत्थर दिल भी पिघल पिघल जा रहे हैं। पुलक शिथिल तन भारी बिलोचन, शरीर पुलकित हो रहा है, कांप रहा है प्रेम के कारण। कैसा प्रेम, जनक की रनिवास की स्त्रियां कह रही हैं अपने ही मन में, सोच रही हैं कि हम उन स्त्रियों से मिल रहे हैं जो राम की माताएं हैं, जो हमारी पुत्रियों के स्वामी हैं, पति हैं, हमारे दामाद हैं, ये उनकी माताएं हैं, हम उनकी माताओं का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी पुलक, और दशरथ के रनिवास में पुलक की हमारी जो पुत्र वधुएं हैं ये इनकी माताएं हैं। तो ये प्रेम का ऐसा मिलन, पुलक शिथिल, सारा शरीर पुलकित होकर शिथिल हो गया है, भारी बिलोचन, नयनों से आंसू बह रहे हैं। महनख लिखत लगी सब सोचन, और क्या कर रहे हैं सब, अपने अपने पैरों के नाखून से धरती को खुरच कर सोच में चिंता में पड़े हुए हैं। कोई कुछ किसी को बोल ही नहीं पा रहा है, चिंतित हैं बस। और चिंतित अवस्था में क्या होता है, आदमी पैरों के नाखून से धरती को खुरचता है ना, वही सब कर रही हैं। सब सिए राम प्रीत किसु मूरत, जन करुणा बहु बेस बिसूरत। सिए मात कह विधि विधि बाकी, जो पय फेन फोर तब टाकी। कह रहे हैं वो सारी स्त्रियां कैसे दिखाई दे रही थी, जैसे राम और सीता के प्रेम की जो मूर्तें हैं वो बन बनकर बाहर आ गई हों। और जन करुणा बहु बेस बिसूरती, जैसे करुणा का वेश धारण करके वे मूर्तियां अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही हों। दोनों तरफ की स्त्रियां हैं रनवास की, और वो जिस तरह से प्रेम के कारण दुखी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है सीता और राम के प्रेम की मूर्तियां बन बन कर बाहर निकल रही हैं। जैसे कि फूलझड़ी की चिंगारियां चारों तरफ छितराती हैं, ऐसे राम की प्रेम की ये जो चिंगारियाँ हैं इनकी माताओं के रूप में परिलक्षित हो रही हैं। क्या दृश्य है, क्या दृश्य है, अद्भुत। सीए मात के विधि बुधि बाकी, जो पे फेन फोर पर टाकी। कह रही हैं सुनैना जी, सीता की माता जी, कह रही हैं विधाता जानते हो कैसा है, कैसा है विधाता, कि जो दूध का झाग होता है उस दूध के झाग को तोड़ने के लिए अगर कोई हथौड़े का इस्तेमाल करे, कितनी सख्ती बरते कोई, दूध की झाग है। तो कहते हैं जो सीता और राम हैं ये क्या हैं, तो दूध की झाग हैं, और इनको सताने के लिए विधाता ने देखो कैसा वज्र का प्रहार किया। ये जो उसने घटनाक्रम चलाया, जो मुसीबत, जो पहाड़ ढहाया,
ये कैसा पहाड़ डाला इन दूध के जहाजों झागों पर, इतना जुल्म किया परमात्मा ने। और ये सारा कथन सीता की माता जी का राम की अन्य सभी माताओं के लिए भी है कि आप सभी कितनी कोमल हैं, जैसे कि दूध के झाग, और इन दूध के झागों पर ये परमात्मा वज्र का प्रहार कर रहा है, पहाड़ गिरा रहा है। सभी कितने हृदय से कोमल अंगनाएं, सभी कोमल हृदय की स्वामी ने, और जितना भी समाज है सभी ऐसा है, संवेदनशील, प्यारा, और प्यारों पर, संवेदनशील व्यक्तियों पर यदि हल्की सी भी परमात्मा चोट करता है, हल्की सी भी, तो उसके बड़े गंभीर परिणाम देखने में आते हैं सामने। उसी की चर्चा यहाँ पर सीता की माता जी ने की है। सुनिए सुधा देख अहि गरल सब करतूत कराल। और क्या कहती हैं सीता की माता जी, बहुत प्यारी बात, सार्थक बात कही है। कह रही हैं कि सुनिए सुधा, अमृत के बारे में बहुत सुनने में आता है, बहुत कहा जाता है कि अमृत अमृत अमृत, लेकिन देख अहि गरल, लेकिन चारों तरफ केवल विष दिखाई देता है, जहर ही जहर संसार में फैला हुआ है। लोग बात अमृत की करते हैं, लेकिन फैला तो चारों तरफ विष ही हुआ है, कहाँ है अमृत? सुनाई अमृत देता है, दिखाई विष देता है। सीता की माता सुनैना जी ये बात कह रही हैं, किससे? राम की सभी माताओं से, उनका दुख देखकर, उनकी अवस्था देखकर, कि अमृत केवल कागजी बातें हैं, सुनने सुनाने की बातें हैं कि अमृत है संसार में, नहीं, दिखाई हर तरफ विष दे रहा है। सब करतूत कराल, और ये जो विधाता है, इसकी जो करतूतें हैं बड़ी काली और विषैली हैं, कठोर हैं। जहां तह काक उलूक बक मानस सुकृत मराल। कह रही हैं कि चारों तरफ देख लो, चारों तरफ क्या दिखाई देगा? कौवे दिखाई देंगे, उल्लू दिखाई देंगे, बगुले दिखाई देंगे। संसार में चारों तरफ यही दिखाई देता है, हंस कहाँ दिखाई देते हैं? हंस तो केवल मानसरोवर की झील में होते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं? तो संसार में जो दिख रहा है पाप दिखाई देता है, विष दिखाई देता है, अमृत नहीं। अमृत तो सुनने की बात है, सुनाई देता है बस अमृत, दिखता तो संसार में चारों तरफ जहर है। और वो कह रही है देखो, चारों तरफ देख लो, कौवे जैसे लोग फैले हैं, उल्लुओं जैसे हैं, बगुले जैसे हैं, अर्थात संसार में जो दिखाई दे रहा है सामने, वो धोखेबाजियाँ, चालबाजियाँ, फरेब, झूठ, धोखा, पाखंड, यही सब दिख रहा है। हंस कहाँ दिखते हैं? हंस देखें आपने, अगर इसको हम साधारण बात से भी लें, मैं आप सभी से पूछूं कि आपने चारों तरफ कौवे देखे हैं, आप बोलोगे 24 घंटे और देख ही क्या रहे हैं, कौवे ही तो देख रहे हैं। और पूछूं उल्लू, वो कहते, आप कहेंगे हर शाख पे बैठा है। और बगुले, वो कहते, आप कहेंगे कि हर तरफ हैं बगुले, हर समय हम देख रहे हैं। और मैं पूछूं आपने हंस देखा है, तो आप चुप हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, और पहले तो पूछेंगे हंस होता कैसा है, फिर खुद कहेंगे कि कुछ कुछ बगुले जैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, कुछ कुछ अंदाजा जो लगाएंगे, जो अंदाजा लगाएंगे। पूछ के देखिए अपने चारों तरफ कि हंस किसने देखा है, शायद ही कोई कहे कि उसने हंस देखा हो, शायद ही कोई कहे, मुश्किल से कहे। राम है राजहंस, शिव के हृदय के मानसरोवर की झील में रहने वाले राजहंस। संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि चंदन
सभी जगह नहीं पाया जाता, चंदन के वन सभी जगह नहीं होते। चारों तरफ आपको जंगल दिखाई देंगे, पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन चंदन का वृक्ष वह तो विरले ही स्थान पर होता है। तो यहाँ सीता की माता जी बहुत कुछ बात सांकेतिक रूप से कह रहे हैं, बहुत कुछ बात। उसमें से एक बात यह भी है कि हमने सुना था कि अयोध्या जो है वो तो अमृत की नगरी है, वहाँ अमृत ही अमृत है, हमने तो ऐसे सुना था। कितनी बारीक संकेतों में बात कह रही हैं, देख लीजिए, कि किसी को ठेस भी ना पहुँचे। केकई के लिए कुछ कहना चाह रही हैं वे इस समय, केकई को ही लक्ष्य निर्धारित किया है, टारगेट जो है वो केकई है इस समय। सीता की माता जो कह रही हैं ये सारी बात केकई के लिए, लेकिन नाम नहीं ले रही। और नाम लेना तो छोड़िए, जिस शैली से, जिस ढंग से वे बात कह रही हैं, दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये बात केकई के लिए वे कह रही हैं। विधाता को पहले बीच में डाल दिया कि विधाता की सारी करतूतें ऐसी हैं, विधाता की चालबाजियां हैं। क्या चालबाजियां? कि अमृत तो वह सुनवाता है संसार में कि अमृत है, लेकिन दिखाता विष है। और सांकेतिक, बहुत गहरे रडार जैसा जिनका हृदय, वही पकड़ सकता है ये बात। और कौशल्या पकड़ रही हैं इस बात को, समझ रही हैं कि क्या कह रही हैं सीता की माता सुनैना जी, क्या कह रही हैं। कि हमने तो सुना था कि अयोध्या तो अमृत की नगरी है, यहां तो हमें विष के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, यहां तो चारों तरफ कौवे, उल्लू और बगुले हैं, हर तरफ वही दिखाई दे रहे हैं। बहुत तकलीफ में है सीता की माता, जिसे नाजों से पाला, पलकों पे रख कर पाला, उनकी वह पुत्री सीता जिसे कितने अरमानों से ब्याया था कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्र वधु बनकर गई है, और ये हल हो गया उनका। तुम्हारी अयोध्या कौओं, बगलों और उल्लुओं से भरी हुई है। सीधा अयोध्या का नाम लेकर ताना नहीं मार रही है, सुसंस्कृत है, शिष्ट हैं, संवेदनशील हैं। सीधा सीधा कहना घोर अपमान होगा, राम की माताओं का अपमान होगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म तल पर जाकर, बहुत गहराई से जाकर उन्होंने ये बात कही कि तुम्हारी अयोध्या तो कौओं, उल्लुओं और बगुलों से भरी हुई है, विष ही विष है यहाँ। अमृत जैसी बातें तो अयोध्या के लिए बस सुनने में आती हैं। बिल्कुल बनता है उनका कहना ऐसा, सीता की माता का। बेटी पर जब बीतती है तो माँ को तो बेहद तकलीफ होगी ही होगी, होगी ही। और वही इस समय सुनैना जी को हो रही है, सीता की यह दशा देखकर, यह स्थिति देखकर। यह बात अलग है कि सीता जी राम के साथ परम आनंदित हैं, लेकिन यह बात कौन समझेगा? न किसी को समझाई जा सकती है, न किसी को समझ में आ सकती है। सब समझ से बाहर का खेल है, ये सारा खेल ये समझ से बाहर का है। समझ समझ के यदि समझोगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। सोचे सोच न होइए, जो सोचे लख बार, लाख बार सोच लो, कुछ हासिल ना होगा सोचने से। सोच को छोड़ दो, सब मिल जाएगा। सोच छोड़ते ही सब मिल जाएगा। तो ये जो प्रसंग इस समय चल रहा है, इस प्रसंग में सोच को साथ मत रखना, बिल्कुल मत रखना। यहां तो प्रेम की धारा बहनी चाहिए, प्रेम को साथ रखना, भक्ति को साथ रखना, श्रद्धा को साथ रखना, आस्था को साथ रखना, विश्वास को साथ रखना,
बस इनको साथ रखना। राम के श्री चरणों में जो अनुराग है, जो प्रेम है, उसको साथ रखना। सीता जी के प्रति जो भक्ति भाव है उसे साथ रखना। सीता राम को साथ रखना बस। तो सीता राम आप सभी को अपने साथ वन में यात्रा करने की अनुमति दे देंगे। आपके मन को, आप तो फिर भी ना जा सकेंगे, मन चला गया आप चले गए, सूक्ष्म शरीर चला गया तो सब चला गया। सब साथ रहेगा, सब फल मिलेगा, सब कुछ पालेंगे आप। तो अभी तो इस बात को ही देख लीजिए जो सीता की माता जी ने कही है कि चारों तरफ विष ही विष फैला है, अमृत कम दिखाई देता है। तो अब हम आगे की उस यात्रा पे चलेंगे जिसका मैंने जिक्र पहले किया था कि किस प्रकार से इन आध्यात्मिक उपन्यासों की रचना हनुमान जी ने करवानी आरंभ की। ये भक्ति और हृदय का क्षेत्र है, गहराई से देखिए, अनुभव कीजिए। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। कल हनुमान जयंती है, चैत्र पूर्णिमा, विक्रमी संवत 2078, तदनुसार 27 अप्रैल सन 2021। हनुमान जी से ही अनुमति लेकर आज मैं कुछ रहस्यात्मक बातों पर दृष्टिपात करूंगा। ये बातें उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो केवल बुद्धि के तल पर जीते हैं। ये बातें कुछ पार की हैं, बियॉन्ड की हैं और भाव जगत की हैं। तो जिनकी वहाँ गति नहीं है उनको ये सब बातें बहुत निरर्थक जान पड़ेंगी। उनकी इस निरर्थकता का भी मैं स्वागत करता हूँ। वे कहेंगे कि ये बेसिर पैर की बातें हैं, सत्य कहेंगे क्योंकि है ही बेसिर पैर की, बेबूझ हैं, मिस्टीरियस हैं। तो इन बातों की चर्चा आज मैं क्यों कर रहा हूँ? अनेक हनुमान भक्तों के मेरे पास संदेश आते रहे हैं कि हम किस प्रकार से हनुमान जी के दर्शन करें, आप कुछ राह दिखाइए। मैंने कभी किसी को कोई उत्तर नहीं दिया, दिया तो बस यूं ही उसको टरकाने वाला, कोई गंभीर उत्तर मैंने कभी नहीं दिया। आज उसी गंभीर उत्तर का एक छोटा सा अंश यहाँ बातचीत के रूप में प्रस्तुत होगा। सबसे पहले जब मैं हिमालय गया तो गंगा के किनारे बैठकर पहले ही मन में हनुमान जी का भाव धर के और हनुमान चालीसा का उच्चारण आरंभ किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैं इतना बोला ही था कि पास से एक यायावर सन्यासी निकला और वो मेरी तरफ देख कर हंसा, और उसका हंसना साधारण नहीं था। उसके हंसने में जैसे तीर चल रहे थे। हनुमान चालीसा वहीं छूट गई। उठा, उनके पास पहुंचा और नमस्कार करने के बाद कहा कि हनुमान चालीसा की मेरी पहली पंक्ति सुनकर आप इस प्रकार से क्यों हंसे थे? तो वो बहुत ज़ोर से हंसा और ज़ोर से, और कहने लगा कि वो गंगा के उस पार जो जंगल है ना, वहाँ पर पेड़ों पर बहुत सारे तोते बैठे हैं,
कोई पेड़ों के नीचे बैठा है, कोई पेड़ों के खोह में बैठा है, और वो सब तोते इसी तरह से कोई ना कोई हनुमान चालीसा रट रहे हैं। बहुत सारे तोते वहाँ, तोते का अर्थ मैं समझ गया साधक, क्योंकि हिमालय में जंगलों में बहुत सारे साधक साधनाएं करते हैं जाकर। तो उसने कहा तुम ये हनुमान चालीसा यहाँ पढ़ोगे ना, पढ़ते रहो, तोते होकर रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ कशिश थी उसमें, तो मैंने कहा नहीं, मैं तोता होकर नहीं रहना चाहता। जब आपने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा है तो फिर आप राह भी दिखाइए ना। कुछ अजीब ही ढंग का सन्यासी था, बोला पहली पंक्ति जो तुम बोल रहे थे वो बोलना दोबारा से। मैंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो कहते फिर मुझे गुरु मान रहे हो क्या कुछ रास्ता दिखाने के लिए? मैंने कहा जी हाँ। तो वो बैठ गया वहीं पर एक चट्टान के टुकड़े पर और बोला गुरु चरण सरोज रज, तो मेरे पैरों की धूल ले और माथे से लगा, निज मन मुकर सुधार, और अपने मन के दर्पण को सुधार, लगा धूल और उसने पैर आगे कर दिए। मैंने भी उनके चरणों की धूल जिसमें कुछ गंगा का रेत था कुछ मिट्टी थी माथे पर लगाए। वो हंसा बोला गले पर भी लगा, कंठ पर, मैंने वहाँ भी लगाए। बोला हृदय पर भी लगा, मैंने वहाँ भी लगाए। तो कहने लगा ये तो हुआ बाहरी सारा का सारा स्वांग जो तुम्हारी तैयारी को कुछ दिखा रहा है, और तू यहाँ आया क्या करने और ठहरा कहाँ पर है? तो मैंने उस सन्यासी को बताया कि यहाँ मुनि की रेती पर एक कुटिया है, एक सन्यासी की जो मेरे पिता के मित्र हैं, ब्रजलाल जी नाम है उनका, उनके यहाँ मैं आकर ठहरा हूँ वहीं पर। बोले हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तू एक काम कर, 3 दिन यहीं पर आ और 3 दिन तक कुछ नहीं बोलना, सब भूल जा, ये हनुमान चालीसा, हनुमान जी को ही भूल जा बिल्कुल, और हनुमान जी की जो राह है ना वो राम से होकर जाती है, मैं तुझे बताऊं, और इसका मतलब ये नहीं कि तू राम को याद करेगा, तू राम को भी भूल जा, ना हनुमान को याद रख ना राम को याद रख, दोनों को भूल जा और यहाँ आके मौन बैठा रहे, गंगा की लहरों को देखता रहे। तो मैंने कहा मैं फिर करूँ क्या? तो उसने कहा इस करने के पागलपन को ही तो निकालना है कि करूँ क्या, बिना करे नहीं रह सकता क्या? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, करना ही नहीं कुछ, बस आकर बैठ जाना है, चुप बैठे रहना है, कुछ नहीं बोलना है, और मैं आता जाता रहूँगा यहाँ, बस बैठे रहना है, कुछ नहीं करना, हनुमान को बिल्कुल याद मत करना न राम को, समझ लो तेरा इनसे कोई लेना देना ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, कुछ भी नहीं, इन 3 दिनों में किसी भी देवी देवता से किसी से कोई संपर्क नहीं रखना, किसी की कोई स्तुति इत्यादि नहीं, सब कुछ पहुंच डालो 3 दिन के लिए। और वही हुआ, आता जाता रहता था वो, मैं उसे देखता रहता था, मुस्कुराता था, पड़ जाता था, मैं भी मुस्कुरा देता था, कुछ नहीं। और सच में उन 3 दिनों में ना राम की याद आई ना हनुमान की याद आई, सिर्फ गंगा की लहरें और कुछ भी नहीं। 3 दिन बाद संध्या काल उसने मुझसे कहा बैठ, सामने बैठ, आंखें बंद कर ले। मैंने आंखें बंद कर ली। उसके बाद उसने मुझे छुआ, उसके बाद मैं किसी दूसरी ही दुनिया में था उसके छूने के बाद। अब ये जो दूसरी दुनिया शुरू होती है
यहाँ से बुद्धिजीवियों की समस्या भी शुरू होती है। जो बुद्धि के तल से इसको सुन रहे हैं उनके लिए बिल्कुल अविश्वसनीय और निरर्थक बात है। तो खैर, मैं आगे की उस भाव यात्रा की ओर लेकर चलता हूँ। तो मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े जलयान पर हूँ, पानी के जहाज़ पर, और वहाँ पर बहुत सारे लोग चढ़ते जा रहे हैं। और हनुमान जी भी तभी उधर आए चढ़कर, और हनुमान जी ने मुझसे कहा कि तुम इधर नहीं, यहाँ बैठो, ये एक और जो एक छोटी सी कोठरी है यहाँ बैठ जाओ, और यहाँ बैठ के द्वार पर ही दृष्टि रखना। और ऐसा कहकर हनुमान जी, शायद वो उस जलयान का पिछला हिस्सा था जहाँ से बहुत सारे लोगों को वो चढ़ा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे अंदर, उनको भेजते जा रहे थे। पीछे अथाह सागर हिलोरे मार रहा है अपने, नौकाएं उस मुहाने पर खड़ी थी जहाज के जहां से वो लोग चढ़ रहे थे। छोटी छोटी बहुत सारी नौकाएं थी, आती लोगों को उतारती और चली जाती। जहां पर वो मुझे जिस कोठरी के पास बिठा कर गए थे, उस कोठरी के पीछे कुछ हलवाई बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, और कुछ स्वादिष्ट चीज़ें बना रहे हैं, और मेरा मन उस सुगंध के साथ साथ वहीं घूम जाता है, और मन चाहता है कि मैं उन मिठाइयों को खाऊं, वो जो व्यंजन बना रहे हैं उनको खाऊं। मेरी तरफ वो हलवाई देखते हैं और मुझे एक दोने में कुछ मिठाइयाँ और जो भी व्यंजन बना रहे थे खाने को देते हैं। मैं उन्हें खाने में लीन हो जाता हूँ। सहसा मुझे ध्यान आता है कि हनुमान जी ने तो कहा था कि जहाँ से लोग आ रहे हैं उस जगह अपनी दृष्टि टिकाए रखना। एकदम से जागा, होश आया, और वो मिठाई के पत्तल दोने वहीं गिरा के वापस उसी स्थान पर आकर देखा, तो देखता हूँ कि हनुमान जी दो दिव्य पुरुषों को लेकर आ रहे हैं। दो युवक हैं, बहुत दिव्य हैं, और उनको बड़े आदर के साथ आगे का रास्ता दिखा रहे हैं कि आप यहाँ आगे चलिए। और जैसे ही मेरी दृष्टि उन दो दिव्य पुरुषों पर गई, तो जैसे बेहद गर्मी के अंदर पसीने खुद निकलने लगते हैं, अपने आप कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है, ऐसे ही उन दोनों दिव्य पुरुषों को देखकर आंखों से अश्रु की धारा स्वतः बह उठी, मन विह्वल हो उठा देखकर, और दौड़कर वो उनके चरणों में लौट जाना चाहता था। ऐसे सुदर्शन पुरुष दोनों जीवन में मैंने कभी नहीं देखे, ना मेरी चेतना ने, और वो उनको देखता ही रहा, और वे बिना मेरी तरफ देखे बस यूं ही मुस्कुराते हुए मंद मंद सीधे चले गए। और मैं दौड़कर जाता हूँ हनुमान जी से, पूछता हूँ कि ये दोनों कौन हैं, कौन है ये दोनों? तो हनुमान जी बोले, ये नकुल और सहदेव थे। मैंने कहा, नकुल और सहदेव, तो इसका मतलब है कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ये भी आते होंगे। वे बोले, नहीं, वे सब अभी अभी आगे गए हैं। सबसे आगे भगवान कृष्ण थे, फिर द्रौपदी थी, फिर युधिष्ठिर थे, अर्जुन, भीम, ये नकुल और सहदेव पीछे रुक गए थे, इसलिए अब यहाँ पर हैं। मैं बड़ा पछताया कि मिठाइयों के मोह में, उन स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध में, मैंने हनुमान जी के उस आदेश का पालन नहीं किया। बहुत रोया पटका उनके आगे हनुमान जी के, वो बोले, कुछ नहीं हो सकता, और अब तुम इस जलयान से उतरो, वो जो नौका खड़ी है उसमें बैठ जाओ, वो तुमको किनारे पर पहुंचा देगी, तुम्हें इस जलयान में जाने की अनुमति नहीं है, और तुम लौट जाओ। और लौट के जाने के बाद भगवान राम का ध्यान करो,
और उनसे यही उनसे भाव रखो उनके श्री चरणों में कि वे तुमको अपने हृदय में स्थान दें, अनुमति दें तुमको अपने हृदय क्षेत्र में प्रवेश करने की, और मैं तुम्हारा साक्षी हूँ, मैं तुम्हारी विटनेस हूँ, तो मुझे साक्षी मानकर तुम उनका ध्यान धरना। मेरी राह राम से होकर ही पहुँचेगी और उसके बाद गंगा तट पर मैंने आँख खोली तो देखा वो सन्यासी वहाँ पर नहीं था, फिर वो कभी मुझे मिला भी नहीं। उसके बाद मेरा यूं ही छोटा मोटा कहानियों का सिलसिला जारी रहा लिखने का, बच्चों की कहानी, कविताएं, व्यंग्य, वो बात आई गई हो गई, धीरे धीरे भूल गया मैं उस बात को, किंतु हिमालय जाना आना लगा रहा। वर्षों वर्ष बाद फिर एक सन्यासी मिला जिस बात का वर्णन मैंने रामचरितमानस के किसी एपिसोड में भी किया है। उसने कहा, सुनो कहाँ ये बच्चों की कहानियों में उलझे हुए हो, हनुमान जी का ये आदेश आया है तुम्हारे लिए कि भगवान राम के चरित्र को उपन्यास में लिखो। तो मैंने उस सन्यासी से कहा, मैं भला कैसे लिख सकता हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। वह सन्यासी बोला, हो भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकते तुम ये काम। हनुमान जी ने कहा है वो स्वयं तुमको ये अध्याय लिखवाया करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है, और वे तुमसे भी कहेंगे आकर, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है, क्योंकि पहले भी वो तुम्हारे पास आ चुके हैं। अब ये सारी बात उस सन्यासी को कैसे मालूम, ये रहस्य है, यही तो रहस्य है। और उसके बाद फिर एक दिन यूं ही अचानक उसी भाव जगत से जाते जाते हनुमान जी प्रकट हुए और उनका रूप क्या था उसका मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकता, किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेरा अनुभव था। उसका ज़रा सा भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया तो उसकी छाप आप सबके हृदय पर पड़ जाएगी। वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था और जो उस पहले सन्यासी की उपस्थिति में घटा था, ऐसे हनुमान जी के दर्शन नहीं हो सकते जब तक कि कोई उनका साक्षी वहाँ पर उपलब्ध ना हो। केमिस्ट्री की भाषा में इसे कैटलिटी एजेंट कहते हैं। वह जो सन्यासी मुझे पहली बार मिला था, जिसने 3 दिन में छलांग लगवा के मिलवा दिया हनुमान जी से, और हनुमान जी से मिलना कोई ऐसे नहीं होता कि मैंने आंखें खोली और मैं उनसे मिल रहा हूँ। उनसे मिलने या उनके जो दर्शन होते हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, हम नहीं करते, और उसका वो प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन हम तक छोड़ता है। इसे ऐसे समझें कि जैसे स्पेस के अंदर बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं और वो बहुत सारी गैलेक्सियों के फोटोग्राफ लेती हैं सैटेलाइट्स और फिर धरती पर भेजती हैं, तो ये जो धरती पर आ रहा है वो सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है, उन सैटेलाइट्स के थ्रू। तो वो सैटेलाइट समझ लीजिए हमारा सूक्ष्म शरीर है, और वो जो कैटालिटिक एजेंट, उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप किसी भी दिव्य चेतना का साक्षात्कार नहीं कर सकते। कैटालिटिक एजेंट, और इसे भी समझ लीजिए शब्द क्या है, कैटालिटिक एजेंट, कैटालिटिक एजेंट केमिस्ट्री का शब्द है, रसायन विज्ञान का, कि जिसकी उपस्थिति में चीज़ें काम करती हैं। कैटालिटिक एजेंट, जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। समझिए आप कि वह जो सन्यासी था वह कैटालिटिक एजेंट था,
मेरी ध्यान की अभिक्रिया को उसकी उपस्थिति प्रभावित कर रही थी। यानी मास्टर की प्रेजेंस, जो गुरु है, गुरु की उपस्थिति काम करती है, सिद्ध की उपस्थिति। गुरु भी गुरु नहीं, सिद्ध गुरु, ये भी अंतर समझ लिया। जो सिद्ध है उसकी उपस्थिति काम करती है, और उसकी उपस्थिति में घटनाएं घटना शुरू होती है, वैसे नहीं होते। मुझे कोई केमिस्ट्री के शिक्षक समझा रहे थे कि जो पानी बनता है, ये जिन दो चीज़ों के सम्मिश्रण से पानी बनता है, उनके बीच में विद्युत की उपस्थिति अनिवार्य है। विद्युत का होना आवश्यक है, विद्युत कैटलिटिक एजेंट है बिजली। अगर वह नहीं होगी तो जल बनेगा ही नहीं। तो जब तक वो सिद्ध पुरुष बीच में नहीं होगा, तब तक घटनाएं आपके साथ बिल्कुल नहीं घटेंगी। दिव्य घटनाएं, दिव्य घटनाएं, दर्शन की घटनाएं। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा था ना, ये उसी घटना का प्रमाण है एक प्रकार से, कि जा अंदर और माँ से कहना मैंने भेजा है, और मांग ले जो मांगना है। इसे कहते हैं कैटलिटिक एजेंट, कि जिसकी उपस्थिति काम करती है। और उसके बाद सदा यही हुआ और बरसों से होता रहा कि मैंने लेखनी उठाई और सारा संसार आउट ऑफ फोकस। बहुत अच्छा फोटोग्राफी की भाषा का ये शब्द है, इससे सुंदर शब्द और कोई नहीं मिल सका मुझे आज तक। आउट ऑफ फोकस, कि पीछे की सारी चीज़ें धुंधला जाएं, सारा संसार आउट ऑफ फोकस, और केवल जैसे हनुमान जी ने मुझे उस युग में ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर राम है, और मेरा सूक्ष्म शरीर उन सारी घटनाओं को देख रहा है। एक एक अध्याय ऐसे लिखा गया है। अब जब पहला खंड तैयार हुआ तो मैंने हनुमान जी से ही पूछा इसका नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने कहा इसका नाम होगा वनवास। यह प्रथम वनवास है राम का, सबसे पहला। वो 14 वर्ष वाला वनवास वो दूसरा वनवास था। ये जो खंड हनुमान जी ने लिखवाया ये पहला वनवास है। और उसके बाद हनुमान जी एक एक करके पुस्तकें लिखवाते गए। अभी तक उन्होंने 8 खंड मुझसे लिखवा दिए हैं, और 8वें खंड में स्वयं हनुमान जी इस समय सागर के किनारे खड़े हैं। यहाँ तक कथा पहुँची है। तो पहला खंड जो वनवास है, उसके अंदर जो प्रवेश करता है अध्ययन करते करते, स्वाध्याय करते करते, वहाँ उसको राम की ऊर्जा पकड़ने शुरू कर जाती है। और बहुतों के बहुत विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए। किसी के भीतर लगेगा कि राम की ऊर्जा किसी चक्रवात के समान उसके भीतर घूम रही है, उठ रही है। चक्रवात समझते हैं क्या होता है? हवा जब बहुत तेज चलती है, आंधी, तो हवा ऐसे घूमती है ऊपर की तरफ, इसको चक्रवात कहते हैं। और किसी के हृदय में वो भंवर की तरह, पानी में जो भंवर बनता है, वर्लपूल, ऐसे घूमती हुई नीचे जाती है। किसी के अंदर आंधियों के समान उठेगी ये ऊर्जा, और बहुत कुछ भीतर हिलाकर और खिलाकर जाती है। क्योंकि इस पूरी श्रृंखला के, इसका नाम भी रघुवंश नाथम हनुमान जी ने दिलवाया, हर स्थान पर हनुमान जी की सुगंध समाई है, हर स्थान पर। जिन जिन लोगों ने इस वनवास का स्वाध्याय किया है, उनके बहुत अलग अनुभव रहे हैं, और उन्होंने यही लिखा और कहा है मुझसे कि पहली बार जीवन में, पहली बार उन्होंने राम की ऊर्जा को अनुभव किया, और हनुमान की सुगंध जैसे उनके पूरे परिवेश में रही है। तो यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ हनुमान जयंती पर, कि हनुमान स्वयं को कहते हैं मैं तो रामदास हूँ, रामदूत हूँ। जहाँ पर भी राम की कथा गाई जा रही है मैं वहाँ पर हूँ।
और कहीं नहीं हूँ मैं। और यह कथा तो राम ने कृपा करके राम ने अपूर्व कृपा करके मुझ पर हनुमान जी के माध्यम से लिखवाई। उन्होंने मुझे चुना, बस इसी से ही अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया हूँ। यहीं से मैं अघा नहीं रहा हूँ कि क्या देखा उन्होंने मुझे जो चुन लिया। तो अब तो सिर्फ धन्यता के गीत ही गाता हूँ मैं और राम का गुणगान करता हूँ और कुछ बचता ही नहीं शेष अब करने को, कुछ भी नहीं है। तो याद रखें कि इस पंच तत्वों से, ये जो ये आँखें हैं, इनसे कभी कोई दिव्य दर्शन नहीं होता, चेतना के माध्यम से होता है। चेतना जब आपकी उन ऊंचाइयों पर पहुंचने लगती है, और स्वयं नहीं पहुंचेगी वो, कोई कैटालिटिक एजेंट पहुंचवाता है, उसकी प्रेजेंस में चीज़ें काम करती हैं। और यहाँ मैं सिर्फ एक संदेश यहीं पर दे रहा हूँ कि जो भी हनुमान और राम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वे उस आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंशनातम का पहला खंड वनवास पढ़ने का प्रयास करें, पहला खंड। बाकी के लिए तो हनुमान जी स्वयं खींच लेंगे। तो यह एक राह है, एक मार्ग है उन लोगों के लिए जो समय समय पर मुझसे प्रश्न करते हैं। अभी हाल ही में मुंबई से किसी पाठक ने मुझे अपना वॉइस मैसेज भेजा, हनुमान जी के कहने पर ही भेजा है उन्होंने निश्चित रूप से, और उस वॉइस मैसेज में उन्होंने बताया कि वनवास को पढ़कर उनको क्या अनुभूति हुई। श्रीमान प्रीतम जी हैं वे, तो उनकी उस वॉइस मैसेज को मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ यहाँ, और उसको सुनने के बाद फिर जो आपका हृदय कहे, जो आपका हृदय। मुझे हनुमान जी से मात्र इतना कहने की ही अनुमति मिली है, मात्र इतना कहने की। जय श्री राम। महेश जी प्रणाम। और आपसे कुछ समय पहले बातचीत हुई थी और आपने मुझे दो किताबें जो हैं दी थी पढ़ने के लिए, जिसमें से एक किताब वनवास जो है मैंने ख़त्म कर ली। थोड़ा वक्त लगा मुझे, और मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही किताबें पढ़ी हैं अब तक। एक थी विंग्स ऑफ फायर परवाज, डॉक्टर अब्दुल APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब, जिसने मेरे जीवन शैली को बदला। और दूसरी किताब जो है वनवास, जो प्रभु राम के व्यक्तित्व पर, उनके पूरे जीवनी पर आधारित है, और इसमें जो किरदारों को आपने सहजता से उनका जो जो जिस तरह से आपने पिरोया है अपने अपनी 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 बात में, अपनी कहानी में, वो बहुत ही खूबसूरत है। और मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक इस किताब को पढ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में। मैंने कोई किताब इतनी ध्यान से नहीं पढ़ी जितनी ये किताब पढ़ी है मैंने, और मुझे बहुत आनंद आया। कहीं कहीं मेरा मन भी भटक गया, लेकिन फिर मैं वापस आया, और जब पढ़ने लगता था तो वापस इन्वॉल्व हो जाता था। ऐसा हुआ मेरे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये किताब से थोड़ा मार्गदर्शन दिया और मैंने किताब को कंप्लीट किया। मेरी ज़िंदगी की दूसरी किताब है जिसको मैंने पूरा पढ़ा है, तो इस मामले में मैं बहुत खुश हूँ आज ज़िंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद। वनवास पढ़ते समय मैं बहुत ही भावविभोर हुई थी। किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ी थी, लेकिन वनवास पढ़ते समय बार बार यह महसूस हो रहा था कि वहाँ मैं उपस्थित हूँ। जैसे आपने दशरथ के बाण श्रवण पर चलने से पहले जो वर्णन किया था, जो निसर्ग का जो आक्रामक वर्णन किया था, वो अद्भुत था। और जब दशरथ पेड़ पे चले, उन्होंने वो बाणों का मीन्स जब श्रवण ने जब घाघर अपनी पानी में डुबाई, वो आवाज़ आया, वो तो ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पेड़ के पीछे हूँ और वो सब देख रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ। दूसरी बात कि आपने कैकेयी का जो वर्णन किया है,
वो तो अद्वितीय था। उसकी मनोवस्था वो मेरे दिल को बहुत ही छू गई। और राजा पिता दशरथ के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, आपने जो लिखा था ना उनके बारे में, वो पढ़ते समय मेरे अश्रु ही नहीं रुक पा रहे थे कि एक बेटा अपने पिता के वचन के लिए सब छोड़ छाड़, इतनी कम उम्र में सब सुख विलास छोड़ के वो वनवास के लिए तैयार हो गए। माँ मना रही है, भैया मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, लेकिन रामचंद्र अपने वचन पे अटल थे। और आपकी एक एक भाषा है, आपके एक एक शब्द है जो मेरे दिल में बहुत ही छू गए। और मैं ये किताब पढ़ते समय इतनी भावविहोर हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ और मुझे सब घर में काम करना है, बच्चों को खाना नाश्ता सब बनाने, वो उसमें सब करते समय मेरे कुछ क्लासेस भी रहते ऑनलाइन, वो भी मुझे अटेंड करने थे। और ये इसमें सब में मैं सुबह जैसे जैसे टाइम मिलता था मैं वैसे वैसे ये मैं किताब पढ़ती थी। और जैसे ही किताब पढ़ी, जब फिनिश हो गई, तो मैं तब भी बहुत रोई, क्योंकि आपके मुख पे साक्षात माँ सरस्वती ही वास कर रही थी। मुझे हर पल हर क्षण मैं महसूस कर रही थी कि आप वहाँ थे, मैं भी वहाँ थी, और सब मेरे आंख से देख रही हूँ कि जिस तरह दशरथ सब जन राजा दशरथ राम जी को छोड़ने के लिए शरोई के नदी के ओर चले जा रहे हैं, वो दृश्य में मैं लग रही थी, मैं भी उन सब लोगों के बीच में मैं थी, मेरा अस्तित्व था। और मैं भी उस समय इतनी रोई, मेरे पास शब्द नहीं गुरु जी। नारायण नारायण गुरु जी, इसलिए आपका रोम रोम से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है।